तो दोस्तों क्या हाल चाल है आपके। तो यहाँ पे हम आज में बात करेंगे कि 10,000 से कम की रेंज में हमें बहुत से फोन्स की यार उम्मीद है और ज़रूरत भी। तो यहाँ पे जो फोन्स अवेलेबल है वो अभी फिलहाल हमारे पास रियलमी नाजो 10 है और रात में रियलमी का C3 है और साथ में हमारे पास रेडमी का 8A है। बट रियलमी प्रकट होता है और रियलमी देख के आ चुका है फिर से नया फोन C11। जी हाँ, स्पेसिफिकेशंस क्या होती है वो तो अभी हम देखेंगे, करेंगे उसकी जांच और पड़ताल और देखेंगे कि ये रियलमी नाजो 10A और रियलमी C3 से बेटर है। वैसे C11 यार कैसे कोई कोल्ड सा लगता है ना, C11 जैसे मतलब अजीब सा नाम है, पर रेडमी 8A से तो बेहतर है। मैं शुरुआत में आपको बता देता हूँ, तो आइए इस वीडियो को आज को अंत तक देखें ताकि प्राइस स्पेसिफिकेशंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आपको मिल सके और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो शुरू करने से पहले सत श्री अकाल, नमस्कार, हेलो टू ऑल, मेरा नाम विशाल और आप सबका स्वागत है आपके अपने मिस्टर शुरू चैनल पे। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए ताकि हम वहाँ पे आपको ऑल की ऑप्शन देख सके, उसे आप क्लिक कर पाएं और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। यहाँ पे शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट और जरूरी पॉइंट वो है डिजाइन और बिल्ट क्वालिटी का। जी हाँ, डिजाइन और बिल्ट क्वालिटी में सबसे पहले कलर्स रिच ग्रीन और रिच ग्रे। वो टाइम चला गया यार, व्हाइट आता था सिर्फ, हमेशा ब्लैक आता था, अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है और ये एक्सपेरिमेंट सफल भी है, बहुत मस्त लगते हैं यार ये कलर्स। बिल्ट क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे प्लास्टिक कवर होने वाला है, बैग में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, दे देते तो मजा आ जाता पर उन्होंने नहीं दिया। चलो 450 प्लस कर्व्स देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ही बढ़िया सा फील देंगे अगर हैंडलिंग के टाइम पे। और यहाँ पे रियलमी ने अलग से स्ट्रिप लगा दी है मोटी सी और मतलब सब कुछ देखे ना देखे, कुछ देखे ना देखे, आप देखे ना देखे बट आपके हाथों में रियलमी बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखना चाहिए। कैमरा सेटअप उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, वर्टिकल वाला नहीं, अब स्क्वायर कैमरा सेटअप उन्होंने लेके आए हैं, ड्यूल कैमरा सेटअप है, साथ में आपको मिलेगा फ्लैश। और मैं बात करूँगा यार यहाँ पे जो कैमरा का बम्प है वो काफ़ी लो है, मतलब जो आप कैमरा बैक साइड पे फोन रखते हो तो पहले कैमरा काफ़ी बड़ा बम्प होता था बट इसमें कम दिया है, तो ये एक अच्छी बात कह सकता हूँ कि मतलब इस फोन की है। तो और इस फोन में खासियत मैं बताऊँ तो ये स्प्लैश प्रूफ है, मतलब पानी की छींटे वाला, थोड़ी बहुत ही बारिश में अगर ये भीग भी गया तो कुछ नहीं होने वाला। और साथ में स्क्रैच प्रूफ भी है, मतलब बैक पैनल पे जो कर्व्स हैं उसके कारण आपको स्क्रैच जो है वो दिखेंगे नहीं। ये बहुत ही बेटर मुझे लगता है कि मतलब ये क्वालिटी इस फोन की। फ्रंट साइड पे आते हैं तो फ्रंट साइड में आपको छोटा सा मिनी ड्रॉप मिलेगा, मतलब प्रॉपर वाटर ड्रॉप भी नहीं है, मिनी ड्रॉप है, उसमें आपका फ्रंट कैमरा सैम्पल्ड है जो आपको खूबसूरत बनाता है। अगर आगे जाके बात करते हैं तो आपको 3.5 mm जैक, स्पीकर, नॉइस कैंसिलेशन, ये तो बड़े बेसिक होते हैं, माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल रहा है, साथ में ही आपको मिल रही है आपकी सिम ट्रे। अब सिम ट्रे में क्या है, सिम ट्रे में आपको मिल रहा है ड्यूल सिम का सेटअप और साथ में एक स्लॉट मिल रहा है आपको माइक्रो एसडी कार्ड को एक्सपेंड करने के लिए। उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी आगे चलकर पता लग जाएगा, बट हाँ 256 GB तक आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद मैं लास्ट आपको पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि फ़ोन में कॉर्निंग ग्लास है या नहीं, इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ग्लास गार्ड ज़रूर लगा लीजिएगा। और साथ में जो वेट होने वाला है फ़ोन का वो अप्रॉक्सीमेटली क्या, वो रियल में ही 196 grams है। जी हाँ, मतलब अब देखो जो एक प्रीमियम 5G फ़ोन जितना वेट है यार, मतलब 200 grams के नज़दीक है, मतलब फ़ोन हैवी होने वाला है हैंडल करने में, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगला पॉइंट होने वाला है डिस्प्ले का। जी हाँ, डिस्प्ले ऑसम है, 6.5 inches की डिस्प्ले मिल रही है इस रेंज में, मतलब यार मैं बोलूंगा तो रियलमी C3 से बेटर ही है, नार्जो के टक्कर में है। 6.5 inches से HD है, IPS है, 720 pixels सपोर्ट करता है, 20:9 का एक्सपेक्ट रेशो है, सही है यार, 88.7 का यहाँ पे बॉडी टू स्क्रीन रेशो आपको मिलेगा, मतलब डिस्प्ले जो मैं बोलूँ तो डिस्प्ले मज़ेदार होने वाली है, बुरी डिस्प्ले नहीं है, अच्छी डिस्प्ले है। तो बात करते हैं कैमरा सेटअप की। जी हाँ, तो कैमरा सेटअप बहुत ज़रूरी होता है कईयों के लिए कि कैमरे की क्वालिटी क्या हो, कैमरा कौन से मेगापिक्सल्स का है। 13 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है आपको, C11 जो है C3 से बेटर है। रियलमी नाजो 10A जितना ही मुझे लगता है सही है, ये जो फीचर्स जो कैमरा कंपनी की तरफ से फीचर्स फोटोज है वो आप देख पा रहे हैं, मुझे तो बहुत मस्त लगी है वो फोटोज। 2 megapixel का पोर्ट्रेट लेंस मिल रहा है, बाकी फीचर्स भी आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पे सुपर नाइटस्केप मोड ऐड किया गया जो कि फर्स्ट टाइम इस सेगमेंट में ऐड है, मतलब जो इस सेक्शन है, जो पैसे हैं जितने खर्चोगे आप, मतलब ये मोड सच में ये फर्स्ट फोन है जिसमें ये अवेलेबल है। अगर जो फोटो आप देख रहे हो उसके साथ के नहीं पर उसके आसपास ही सही अगर फोटो आ जाती है तो बहुत ही बेहतर है, नाइट
मोड में, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन है। 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आप, साथ में फ्रंट में भी और बैक में भी, और 720 की भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोनों तरफ आप कर सकते हो। फ्रंट कैमरा जो आपको 5 मेगापिक्सल का AI मिल रहा है, खूबसूरत करके छोड़ेगा वो आपको, मतलब सेल्फियाँ लो पाउट बना बना के मजे लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रंट कैमरा के 5 मेगापिक्सल, मतलब ओवरऑल वो तो कैमरा जो है C11 जो है C3 से बेटर है अगेन। और मैं आपको बताऊं तो यार C11 जो है ना C3 से बेटर ही है कई चीज़ों में। रियलमी नाजो 10 ने वो दोनों में कंपटीशन है इसमें, और 8A तो छोड़ ही दो यार, रेडमी 8A अपने मतलब प्राइस ठीक है, वो आपको 6500-7000 में मिल जाता है, पर ये काफ़ी चीज़ों में उससे बेहतर है रियलमी C11 अगर देखा जाए तो। आगे चल के बात करते हैं किसकी, प्रोसेसर की। जी हाँ, जो इंजन है जो मेन चीज है। जी हाँ, प्रोसेसर की बात करते हैं तो G35 हीलियस में यूज किया गया जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। और G35 जो है मैं बताऊं तो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का लॉक साइकिल जरूर है इसका, बट G70 जो रियलमी नाजो 10 में है वो ज्यादा बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देता है आपको इससे, G35 से। G35 बुरा नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, अगर आप रियलमी 10A ले सको, नाजो 10A ले सको, तो वो बेटर होगा C11 से, नहीं तो ये भी ठीक ठाक है। सॉफ्टवेयर के बाद को तो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 की अपडेट देखने को मिलेगी रियलमी UI के साथ। हाँ यार, रियलमी UI में थोड़ी बग्स आ रहे हैं अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई थी, बट बहुत जल्दी ये बग्स रिमूव हो जाएंगे। और साथ में ही रिव्यू यूनिट्स में तो हेलो ऐप और क्लीन मास्टर ऐप इंस्टॉल था, पर अब सुनने में आ रहा है और देखने में आ रहा है सोर्सेज से कि ये बहुत जल्दी अनइंस्टॉल हो जाएगा। मतलब ऐसा पता नहीं क्यों हुआ है, और हेलो क्लीन मास्टर क्यों हुआ है जबकि बैन हो चुके हैं ये सब चीज़ें। बट चलो, आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, रिमूव हो जाएगा, आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब बात करते हैं इसको चलाना कैसे है। अगेन बैटरी तो चाहिए। जी हाँ, तो बैटरी 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, और 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, बट रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है, 10W का ही चार्जर मिल रहा है यहाँ पे, तो वो कोई बात नहीं। चलो 5000 mAh, पर कंपनी टेस्ट कर रही है कि 40 दिन तक तुम लोग स्टैंड बाई पर रख दो इसको। पता आप लोग इसे स्टैंड बाई में क्यों रखेंगे 40 दिन के लिए, कोई क्यों रखेगा 40 दिन के लिए, और रख भी दिया तो हम देखते जाएंगे कि हाँ 40 दिन हो गए, ये सच में चीज़ प्रूव होती है, 5000 mAh चलता है, उसका उनको क्या लेना। बट ठीक है, 5000 mAh चलेगा ज़रूर, मुझे इतना पता है, मतलब मज़ा आएगा। बैटरी बैकअप की तरफ से बहुत मॉन्स्टर बैटरी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे जाके बात करते हैं रैम और स्टोरेज की और प्राइस की। यहाँ पे सारी चीज़ ख़राब होती है कि रैम जो मिल रही है आपको LPDDR4X है, वो ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, बट 2GB रैम मिल रही है और साल में सिर्फ आपको 32GB मिल रहा है। यार एक्सपेंड क्यों करना पड़ रहा था, इसके कारण करना पड़ रहा था। रियलमी नार्जो 10A वो आप ले सकते हो यार, एटलीस्ट में 3GB है सिर्फ। अब मैं बताता हूँ पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो 7499, 1 रुपया तो आप लोगों का यहाँ पे बच के रहेगा, 1 रुपया तो बचाती बचाती है यार कंपनी, 7499 का मिलेगा आपको। और वो रियलमी नाजो 10 नहीं है, वो आपको मिल रहा है 9000 का, 1500 रुपया। अगर आप 1500 बढ़ाते हैं तो आपको प्रोसेसर अपग्रेड मिलता है, बैटरी मतलब मैं बोलूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको, कैमरा थोड़ा ठीक मिलता है अगर क्वालिटी की बात करूँ जहाँ तक देखा जाए तो, और रैम 3GB मिलती है, ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको नार्जो 10A में। बट अगर आपको 7500 का ही लेना है, आपका यही आपका बजट है, तो रियलमी C11 एक मस्त ऑसम और रैपचिक फ़ोन होने वाला, ये खरीद सकते हैं बिना चिंता के। पर C3 मत खरीदो यार, उसको जरूरत नहीं है खरीदने की, उसमें कुछ है नहीं है। और रेडमी 8A अगर आपको 6000 में कोई रेंज में फ़ोन चाहिए तो 6500-7000 में तो आप वो रेडमी 8A ले सकते हैं, तो ये C11 बेस्ट है जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, यही मेरा ओपिनियन होने वाला है कि ये चीज़ ठीक है अगर आप लेना चाहो, बट 1500 बढ़ा लो यार, अगर 9000 में ले सकते हो तो प्लीज़ नाजो 10A लो, मस्त फ़ोन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को यार ये वीडियो पसंद आई होगी, साथ में लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरी है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे तुम लोग, करो राइट लाइक और कमेंट, बताओ कि क्या हमें खामियां और क्या चाहिए आपको और नया, और क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग यार सुरक्षित होगे, बहुत ज़रूरी सुरक्षित रखना। बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तो जय हिंद, वंदे मातरम।